शेयरिंग विद यू व्हाइट बोर्ड। सबसे पहला चीज कि अभी मैं टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और यू विल कम टू नो कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड एपिक को लेके इनका बात हुई है। सबसे पहला चीज कि व्हेन यू टॉक अबाउट एपिक, मैं एक सेंट्रल में एक पॉइंट लिख रहा हूँ, इसे आप ध्यान में रखिएगा। एपिक, एपिक जो आपका पोयम है, यह आपका कैसा पोयम है? यह एक तरह से ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। मैं जनरल बातें ऐसी बता दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। दूसरा चीज, दिस इज पोइट्री मीन्स इरेजर, मैं यहाँ यूज करना चाहूँ, दिस इज ओ POETR, वही पहला ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री। दूसरा जो एपिक है उसके लिए डिफिनेशन दिया जाता है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। एपिक की डिफिनेशन क्या है कि एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स। तीसरा जो होता है एपिक में क्या होता है, इट हैज ग्रांड स्टाइल, ग्रांड स्टाइल। इफ यू हैव नोटेड डाउन तो मैं स्लाइड को चेंज करूं, या इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट। इट हैज ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट, नंबर फोर्थ पॉइंट। जो एपिक है अगर यहाँ पे आप देखेंगे, और तमाम चीजें रहती हैं, और इस तरह से एपिक में एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, वो कौन सा पॉइंट है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इफ आई टॉक अबाउट एपिक यू विल कम टू नो कि एपिक से रिलेटेड जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, कि एपिक जो है उसमें क्वाजी डिवाइन फिगर होता है, क्वाजी QUASI, क्वाजी डिवाइन फिगर, FIGURE। क्वाजी डिवाइन फिगर का मतलब कि उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं सुपर नेचुरल, और उनके ऊपर ऐसा लगता है कि ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड या डिविनिटी या सेलेस्टियल ब्यूटी वी फाइंड, ईश्वर की एक अजीबो गरीब कृपा उनके ऊपर होती है कि वे ईश्वर द्वारा दिए गए शक्तियों से प्रदत्त होते हैं जो आम इंसानों में नहीं देखने को मिलता। जैसे सेटन को ले लीजिएगा, बिल्जबब को ले लीजिएगा, एडम को लीजिए, ईव को ले लीजिए, जीसस क्रिस्ट को ले लीजिएगा। तो इस तरह के कैरेक्टर जो होते हैं क्वाजी डिवाइन फिगर, सच अ थिंग वी फाइंड। अब आपका जो क्वेश्चन था वो मैं लिख रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये है कि जो एपिक है वो जो है दो तरह से होता है, एपिक का टू टाइप्स है, इट हैज टू टाइप्स, इसके जो टाइप्स हैं वो दो हैं। वो दो जो टाइप्स हैं कौन कौन से हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ। एक तो एक आपका जो टू टाइप्स है उसमें आप देखेंगे, उस टू टाइप्स में एक एपिक आपका क्या होता है, एक को आप प्राइमरी एपिक कहते हैं, प्राइमरी एपिक, और ट्रेडिशनल एपिक, ट्रेडिशनल एपिक। प्राइमरी एपिक और ट्रेडिशनल एपिक, मैं इसका एग्जांपल लिख दे रहा हूं, एग्जांपल ग्रेसिया, होमर्स, इलियड एंड ओडिसी, इलियड एंड ओडिसी। होमर का इलियड और ओडिसी जो है यह आपका किसका एग्जाम्पल है, यह आपका प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल होमर्स, इलियड एंड ओडिसी। इंग्लिश में पहला जो प्राइमरी एपिक है ये तो सब लैटिन में आया है, जब आप होमर की इलियड और ओडिसी की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब आप लैटिन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जब आप इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश का पहला जो प्राइमरी एपिक है वह क्या रहा, वह बीओल्फ रहा।
ये मैं लिख दे रहा हूं इन इंग्लिश, बीओल्फ वाज फर्स्ट प्राइमरी एपी, BEOWULF, बीओल्फ वाज फर्स्ट प्राइमरी एपी। जो बीओल्फ रहा है ये पहला प्राइमरी एपिक रहा, ये कब आया हुआ है, एंग्लो सैक्सन पीरियड में। तो अगेन मैं स्लाइड को फिर से शुरू से ले चल रहा हूँ। मैंने आपको इस क्लास में क्या बताया, मैंने आपको इस क्लास में एपिक के बारे में बताया, और मैंने बताया कि जो एपिक है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। एपिक की डिफिनेशन दी जाती है कि लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, किसी भी कविता में, कविता के रूप में या कविता में अगर कोई लंबी कहानी बताई जाती है तो वह एपिक के रूप में होती है, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स। और इसके साथ साथ उसका जो इट हैज ग्रांड स्टाइल, जो इसका स्टाइल, स्टाइल का मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन, जिस तरीके से उसको पेश किया जाता है वह काफी ग्रांड होता है, और उसका जो थॉट होता है एलिवेटेड होता है, ग्रांड स्टाइल एंड एलिवेटेड थॉट यू फाइंड। कैरेक्टर कैसे होते हैं, क्वाजी डिवाइन फिगर होते हैं। जो भी कैरेक्टर, मोस्ट प्रोबेबली द कैरेक्टर्स विच यू फाइंड इन एपिक, यू विल कम टू नो दैट दे हैव वर्ड, दे हैव डिविनिटी, दे हैव द सेलेस्टियल ब्यूटी, ईश्वर की असीम कृपा उनके ऊपर होती है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से या ईश्वर के जो ब्लेसिंग्स होती वह नजर आती है। इसके टू टाइप्स होते हैं, इन दो टाइप्स में एक आपका प्राइमरी एपिक है और दूसरा आपका ट्रेडिशनल एपिक है। जब आप प्राइमरी एपिक की बात करते हैं, सॉरी प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक वो एक ही चीज है, प्राइमरी एपिक और ट्रेडिशनल एपिक। जब आप प्राइमरी एपिक की बात करते हैं तो दुनिया में सबसे पहला जो प्राइमरी एपिक लिखा गया, होमर का इलियड और ओडिसी ने लिखा। किस एपिक को प्राइमरी एपिक कहा जाता है, उसकी क्या खासियत होती है, प्राइमरी एपिक के जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, वो ओरल फॉर्म में पहले से ही रहते हैं, बाद में उसको कोई राइटर रिटन शेप देता है। इसका मतलब कि होमर ने जो कहानी इलियड और ओडिसी में बताई है यह होमर की खोज नहीं है, होमर ने केवल उसको लिखित रूप दिया है, बल्कि यह ओरली लोगों की जुबां पर पहले से मौजूद रही है। तो प्राइमरी एपिक, ट्रेडिशनल एपिक का यही सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरीज हैं, जो इवेंट्स हैं, वे लोगों की जुबां पर ऑलरेडी या ओरली वे मौजूद होते हैं, बाद में कोई राइटर आता है जो उसको रिटेन शेप देता है। और ये काम कहाँ देखने को मिलता है, होमर का इलियड एंड ओडेसी, और इंग्लिश में पहला आपका बियोल्फ। अब आपका तीसरा पॉइंट, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है कि जिससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा वो क्या था, लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक, LITERARY, लिटरेरी आर सेकेंडरी एपिक। When you come about literary or secondary epic, remember that इस epic की एक खासियत ये होती है कि जो literary या secondary epic है उस particular epic में you will come to know कि इसमें दो चीजें रही। literary और secondary epic की जब भी बात की जाती है तो आपको ये समझना चाहिए कि इसके जो characters हैं, जो इसके जो है stories है, वो राइटर का खुद का इन्वेंशन होता है, राइटर उसकी खुद की खोज करता है, और इसमें राइटर का टैलेंट, जो भी लिखने वाला होता है वो चीज़ें यहाँ पे। तो लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक में क्या नजर आती है, इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप, इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप। यू विल कम टू नो कि जो भी राइटर है उसका इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप नजर आता है। कहाँ पे उसका इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप नजर आता है, यू फाइंड इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप ऑफ राइटर इसमें, इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप मतलब राइटर का व्यक्तिगत टैलेंट, उसकी अपनी खुद की योग्यता कि वह कैसे कैरेक्टर को इन्वेंट करता है, कैसे कैरेक्टर को प्रेजेंट करता है, कैसे कैरेक्टर को पेश करता है, वह चीज नजर आती है। तो इंडिविजुअल क्राफ्ट मैनशिप यू फाइंड वेयर, यू फाइंड हियर, नंबर वन पॉइंट। दूसरा चीज जो है जो आपको जानना है, द राइटर इन्वेंट्स कैरेक्टर्स कॉमा इवेंट्स एंड सिचुएशन।
जो राइटर उसका जो भी कंपोजर होगा, चाहे आप कहिए वह उसको इन्वेंट करता या क्रिएट करता, द राइटर क्रिएट्स, यह उसकी क्रिएटिविटी होती, वह क्या चीज क्रिएट करता है, द राइटर इन्वेंट्स, आविष्कार उसका करता है, क्रिएट करता है कैरेक्टर्स, इवेंट्स और सिचुएशन जो भी सेकेंडरी एपिक में दिखाया जाता है, और इसी से उसका व्यक्तिगत टैलेंट पता चलता है कि उसके अंदर कितना उसके अंदर एक तरह का टैलेंट है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक है, इसके बारे में आपने ये पूछा कि कौन सा उसका एग्जाम्पल है, तो उस एग्जाम्पल से लेकर के मैंने 3 पॉइंट बताया है। वर्जिल्स एनीड, VIRGILS, वर्जिल्स एनीड, ANEID, वर्जिल्स एनीड इज द फर्स्ट लिटरेरी एपिक, LITERA, लिटरेरी आर सेकेंडरी एपिक, एपिक इन द वर्ल्ड। दूसरा चीज, जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन पैराडाइज, PARADISE, पैराडाइज लॉस्ट, 1667, इज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड, लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड। पैराडाइज लॉस्ट इस पैराडाइज लॉस्ट इज द नॉट पैरोडी, इफ आई यूज द वर्ड, आई जस्ट वॉन्ट टू राइट इट हियर, मिल्टन इमिटेटेड वर्जिल, वर्जिल्स ए नीड, AENEID, ए नीड टू रो टू राइट पैराडाइज लास्ट, PARADISE, पैराडाइज लॉस्ट, दिस इज आर, इट शुड बी रिटन दिस वे, पैराडाइज लास्ट। सो ये चीजें अब आपको क्लियर हो गया कि जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये बताना चाहता था, ये चीजें रही थी। वर्जिल का जो ये नीड है, ये जो है आपका क्या है, द फर्स्ट लिटरेरी एपिक। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि जो लिटरेरी है वही सेकेंडरी भी है, तो वर्जिल का ये नीड सबसे पहला लिटरेरी या सेकेंडरी एपिक है। बाद में उसी को जॉन मिल्टन ने फॉलो किया पैराडाइज लास्ट लिखने के लिए, और पैराडाइज लास्ट दुनिया का सबसे पॉपुलर आपका क्या है, जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट 1667 इज द मोस्ट पॉपुलर लिटरेरी एपिक ऑफ द वर्ल्ड। मिल्टन ने इमिटेट किया, किसको इमिटेशन किया, वर्जिल्स एनी, वर्जिल्स का एनी टू राइट पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लास्ट लिखने के लिए मिल्टन ने इनका इमिटेशन किया। सो यू फाइंड दिस थिंग, यू कैन गो विद दिस पॉइंट, यू कैन जस्ट फाइंड कि रियली में क्या सिग्निफिकेंट है या कैसे रहा, सो यू कैन गो विद दिस वन। अब मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, या जितने लोग भी होंगे उन सबको क्लियर हो गया होगा। एक और यहीं पर मैं जोड़ना चाहूंगा, जब हम लिखा रहे हैं तो चूंकि ये सब लिटरेरी टर्म का ही हिस्सा है, अलग से नहीं, वो सब आएगा। एक और चीजें
एक और चीज हमें समझना है, जहां तक बात आती है मॉ के पी, वेन यू टॉक अबाउट मॉ के पी, हम सारे लोगों को ये पता है कि जो मॉ के पी का ये क्या है, पैरोडी है, PARODY, पैरोडी ऑफ एपिक। दूसरा पॉइंट, इसका जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, माइनर होगा, ट्रिवियल होगा या ट्रिफल होगा। सब्जेक्ट मैटर, इसका सब्जेक्ट मैटर इज पेटी कॉमा इग्नोनिमस ट्रिफल, TRIFLE, माइनर। जो भी सब्जेक्ट मैटर होगा वह कैसे, सब्जेक्ट मैटर इज पेटी इग्नोनिमस ट्रिफल माइनर, माइनर सब्जेक्ट मैटर होगा, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिडिकुलस एटमॉस्फियर, इन ऑर्डर टू क्रिएट, CREAT, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिडिकुलस, CULOUS, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिडिकुलस एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर। तीसरा पॉइंट, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज एपिकल, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज एपिकल। जो मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन है वह एपिकल होगा, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज एपिकल, यह चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट डू यू फाइंड, यू फाइंड कि मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज एपिकल, इसका क्या मतलब हो गया कि स्टाइल तो एपिक की होगी लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर होगा वह कैसा होगा, वह जो है इग्नोनिमस होगा, पेटी होगा, माइनर होगा, ट्रिफल होगा, ट्रिवियल होगा, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिडिकुलस एटमॉस्फियर। चौथा पॉइंट, अगर हम आप इसकी बात करते हैं एग्जाम्पल ग्रेसिया या उदाहरण के लिए, तो अलेक्जेंडर, ALEXANDER, अलेक्जेंडर पोप्स, अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक, रेप, रेप ऑफ द लॉक, 1712, 1714, 1712 में पहली बार आई थी, बाद में 1714 में कुछ और कैंटो जोड़ा गया था। तो अलेक्जेंडर पोप से रेप ऑफ द लॉक इज अ नाइस एग्जाम्पल, या आप कह सकते हैं कि एक पॉपुलर, इस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉक एपिक, अलेक्जेंडर पोप से रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑफ मॉक एपिक। दूसरा पांचवा, मेरे ख्याल से फोर्थ पॉइंट होगा, इट हैज, इट हैज का मतलब कि अलेक्जेंडर पोप्स, इट हैज द थीम ऑफ ऑफ कट डाउन द लॉक ऑफ बिलिंडा, बिलिंडा के लॉक का कट डाउन होना इसका थीम रहा है। रिटन इन हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट, सो दीज थिंग्स यू फाइंड रिटन इन हीरोइक कपलेट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि सिंपल सा चीजें मैंने बताया कि ये चीजें रही हैं। जब आप बात करते हैं मॉक एपिक की, तो मॉक एपिक किसका, पैरोडी, पैरोडी का मतलब डुप्लीकेट या उसका कॉपी, या उसका आप कह सकते हैं कि एक तरह से पायरेटेड उसका वो है, तो ये एपिक का पैरोडी है। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि मॉक एपिक इज द पैरोडी ऑफ एपिक,
मॉक एपिक और एपिक में फर्क यही होता है कि एपिक का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वह सीरियस होता है और उस सब्जेक्ट मैटर का प्रेजेंटेशन भी सीरियस होगा, लेकिन मॉक एपिक में प्रेजेंटेशन तो सीरियस होगा लेकिन सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, पेटी होगा, इग्नोनिमस होगा, मतलब कि उसका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, सीरियस सब्जेक्ट मैटर पे बात नहीं होगी, ट्रिफल होगा, माइनर होगा। और क्यों ऐसा होता है, चूंकि उसमें रिडिकुलस एटमॉस्फियर, हास्यास्पद वातावरण तैयार किया जाता है। माइनर आप प्रेजेंटेशन, लेकिन जो बताने का तरीका होगा वह क्या होगा, एपिकल होगा। एपिकल जो एपिक का माइनर होता है, जो एपिक का बताने का तरीका होता है, लगभग वही ही तरीका यहाँ पर, माइनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज एपिकल। अलेक्जेंडर पोप्स रेप ऑफ द लॉक, ये जो है, और जो आपका है 1712 ईस्वी में जब आई थी तब वो जो है कुछ कैंटोज उसके साथ था, बाद में 5 कैंटोज में 1714 ईस्वी में आती है, यह मॉक एपिक का एक एग्जाम्पल है। इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वह कट डाउन ऑफ द लॉक ऑफ बिलिंडा, बिलिंडा जो हीरोइन है उसके जूड़े को या बाल को कोई काट देता, पीटर नाम के एक आदमी, तो बाल को काटने पर ही जो है पूरा का पूरा एपिक मॉक एपिक लिखा गया है। तो ये कोई सब्जेक्ट मैटर है या क्या, ये किसी आदमी के या ह्यूमन रेस से नहीं बिलोंग करता है, तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर, या किस में लिखा गया है, रिटेन इन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स, जिसमें आपका क्या होता है, पेयर ऑफ राइमिंग वर्स इन आयाम्बिक पेंटामीटर, जो रन ऑन हीरोइक कपलेट, क्लोज हीरोइक कपलेट, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। सो इन दिस वे वी हैव डन। मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि क्या रहा है। कोई प्रॉब्लम? जी वो एपिक है, मॉक एपिक नहीं, वो लिटरेरी एपिक जो उसको फॉलो किया गया है वो लिटरेरी एपिक के रूप में आएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि बहुत सारी चीजें प्रयास की जाती हैं एपिकल माइनर, जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि एपिक के लिए ये होता है कि लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि वो ग्रांड स्टाइल में हो और उसका जो थॉट हो एलिवेटेड, मतलब सब्जेक्ट मैटर भी बहुत ही सीरियस हो, दो चीजें। तीसरा चीज ये ध्यान में रखना चाहिए कि एपिक के लिए कहा गया था कि एपिक जो है 12 किताबों में, ट्रेडिशनली ये देखा गया था कि वह 12 किताबों में डिवाइड की जाती है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो स्पेंसर का रहा वो 12 किताबों में नहीं रही है, केवल 7 किताबों में रही, वो भी 6 कंप्लीट रही, 7वीं इनकम्प्लीट रही है। द सेवेंथ बुक वॉज बर्नड एट किलकॉलमन, किलकॉलमन नाम की जगह जहां वो रहते थे वहां आग लग गई थी और 7वीं वाली उनकी किताब जल गई थी। तो जस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर जैसे मैं शमीम हूँ, मेरे मन में आया कि मुझे एपिक लिखना है, मैंने एपिक लिखना तो शुरू किया, मैंने तरीका भी वही निकाला, सब कुछ किया, लेकिन ट्रेडिशनली आप देखेंगे कि जो एपिक लिखा जाता था उसका टारगेट ये होता था कि वह 12 किताबों में होना चाहिए, चाहे वो प्राइमरी एपिक रहा हो चाहे सेकेंडरी एपिक रहा हो, सभी ने उसको 12 किताबों में बांटा। अब अगर 12 किताबों को आपने फॉलो किया तो एक दिन का काम नहीं होता, आपने लिखना शुरू किया, लेकिन हो सकता है कि एक किताब दो किताब आपने लिखा, बीच में कुछ ऐसा हादसा हो गया कि आप उसको नहीं लिख पाए, तो वो चीजें जो है क्या हुआ कि वो एपिक पे का जो एपिक का जो पूरा पैमाना होता है उस पर वो खरी नहीं उतर रही है, लेकिन एपिक की सारी क्वालिटी उसमें मौजूद है। जैसे उसमें क्या है, वो 12 किताबों में नहीं हो पाई है, या अगर आप और देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें उस समय की जो सिचुएशन है, एलिगोरिकल फॉर्म को लेकर के बात की गई है, कहीं कहीं पे ड्रीम एलिगरी भी नजर आता है, क्वीन एलिजाबेथ को भी जो है दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है, तो उसमें जो प्रेजेंटेशन है वह काफी सीरियस है, काफी चीजों को अच्छे ढंग से रखा गया है, और जो मैनर भी है वह एपिकल भी है, ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर भी सीरियस है, तो ये सब चीजें। लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसका स्टाइल उतना ग्रांड है जो जॉन मिल्टन में देखने को मिलता है, बट अनडाउटली दैट्स एन एपिक, वह एपिक की ही कैटेगरी में आएगा। वो तो एपिक है, उसका कोई वही नहीं, दांतेस का डिवाइन कॉमेडी भी एपिक है, ये सब जितने भी हैं ये सब सेकेंडरी लिटरेरी एपिक है। इसके अलावा आपको सारे नाम पता है, जैसे अगर आपको याद होगा द प्रील्यूड जो रहा है, ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा जाता है। क्यों ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा गया, इसलिए कहा गया कि उसमें वर्ड्सवर्थ का जो लाइफ है, जो उन्होंने स्कूल डेज में या जब वो मेच्योर हुए, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात हुई, तो उन्होंने उन सब चीजों को लेकर के दिखाया हुआ है।
और रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड सोसाइटी, मैन और सोसाइटी को। लेकिन मैन मैन का मतलब उन्होंने मैन के रूप में अपने आप को सेंटर में रखा है, और उन्होंने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन मैन नेचर एंड सोसाइटी, हाउ नेचर इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस नेचर, और मैन का क्या रोल रहा है, वो भी एपिक है। आप आगे और अगर चलेंगे, आप ये देखेंगे कि जो मैथ्यू अर्नाल्ड ने सोहराब और रुस्तम लिखा हुआ था वह भी एपिकल मैनर में ही रहा है। मैंने एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था, अगर आपको याद होगा, टॉमस हार्डी का एक ड्रामा है जिसको आप डाइनेस, जिसको आप लिरिकल ड्रामा कहते हैं, डाइनेस्ट, वो भी जो है कहीं ना कहीं एपिकल माइनर। तो एपिकल माइनर का मतलब ये हो गया कि एपिक वाला जो स्टाइल होता है उस स्टाइल को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एपिक की तरह से उसमें 12 किताबों में हो या और तमाम चीजें, ग्रांड स्टाइल हो सकती है, नैरेटिव फॉर्म में हो सकता है, तमाम चीजें हो सकती है। तो इसके अलावा उनका अल्फ्रेड नॉयस का ड्रेक करके एक मैंने बताया था, एंड आप उसके अलावा जॉन कीट्स का एक फ्रेगमेंट्री एपिक रहा है, हाइपीरियन पर है जो है, इफ आई एम नॉट मिसिंग, कि मैंने लिखवाया था हाइपीरियन शायद था वो जो है आपका, वो जो है हाँ फ्रेगमेंट्री एपिक रहा है। तो जो एपिक है उसके भी कई कई टर्म, जैसे अभी तक आपने केवल प्राइमरी और सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल एपिक शब्द जुड़ा, फ्रेगमेंट्री एपिक जुड़ा, ये सब क्यों जुड़ता जाता है? जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वह टेक्स्ट एपिकल मैनर में है, लेकिन उस टेक्स्ट के सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग भी उसका नाम चेंज होता जाता है। जैसे जो सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, सब्जेक्ट मैटर कहीं ना कहीं द प्रील्यूड में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आ गया, उसको इसलिए उसको ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा गया। जो आपका फ्रेगमेंट्री एपिक रहा है वह एपिक तो है लेकिन वह फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब बिखरा हुआ है, बहुत तितर बितर, सिस्टमेटिक ढंग से जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें उतना नहीं आ पाई है, उसको उसको फ्रेगमेंट्री एपिक कहा गया। और अगर आप देखेंगे जा टी एस एलियट का जो पोयम है द वेस्ट लैंड, जो 433 लाइन में है, उसको मॉडर्न एपिक कहा जाता है, जबकि 433 लाइन में 5 खंडों में है, फिर भी उसको एपिक का कैटेगरी रखा गया है, मॉडर्न एपिक। और इसके अलावा आपको याद होगा बुर्जुआ एपिक का एक एक कॉन्सेप्ट आया था नावेल को लेकर के, या वहां पर बात हुई थी जो है। तो ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड की एपिक थिएटर का शब्द बर्टोल्ट ब्रेच ने दिया था, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, मैंने आपको इसके पहले भी बताया हुआ था। तो एपिक जो शब्द है इससे आप देखिए कितना चीजें जुड़ती जा रही हैं, बुर्जुआ एपिक जुड़ता चला गया नावल के को लेकर के, एपिक थिएटर को लेकर के चीजें जो है, जिसमें एलियनेशन इफेक्ट जब बात बताई गई थी तो वहां पर ये बात बताई गई थी कि कैसे जो है एपिक का परफॉर्मेंस या जो एपिक का कहानी होता है कैसे थिएटर में या उसको जो है परफॉर्म किया जाता है। और बर्टोल्ट ब्रेच ये कहते हैं कि जो दर्शक है जब वह उसको देखे तो एक दूरी बना करके रखे, उसको लगे कि वह दर्शक है, जो परफॉर्म करने वाला है वह कैरेक्टर है या अपने रोल को प्ले कर रहा है, तो एक एलियनेशन इफेक्ट नाम उन्होंने उसमें दिया हुआ था। तो ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड कि वो सब चीजें उससे जुड़ती गई। एनी अदर क्वेरी और एनी अदर क्वेश्चन? नो नॉट एट ऑल। तो नाउ वी हैव टू प्रोसीड, नए टर्म को हम लेते हैं, बट नए टर्म को लेने से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, कल नहीं उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। कैन यू गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी? या बाई महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाई महात्मा गांधी, ये दो चीजें मैंने आपको बताया हुआ था कि हाँ ये दो रहा। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी ऑटोबायोग्राफीज आई हुई है, लोगों ने लिखा हुआ है, ऐसा नहीं रहा कि यही चीजें रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और नाम दिया था, अगर आपको याद होगा, कि जैसे ऑटोबायोग्राफी में अगर आप बात करेंगे तो द प्रील्यूड भी आ जाएगा, द प्रील्यूड का भी कहीं ना कहीं रहा है, उसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट रहा है। एक शब्द मैंने आपको से और बात किया था, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी क्या है?
फिर से रकीम जी, सेंटर सान व्हाट बिकेम द, इन क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी, इसका मतलब ये हो गया स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वह ऑटोबायोग्राफी होती है जब कोई जो क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी रही है उस क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी में ये दिखाया जाता है कि एक कैरेक्टर है और वह कैरेक्टर जो है अध्यात्मवाद को प्राप्त करने के लिए या अध्यात्मवाद के रास्ते को जब वह पकड़ता है तो कितना उसको क्रूशल एक्सपीरियंसेस होता है, कितना उसको प्रॉब्लम को झेलनी पड़ती है जब उस आस्पेक्ट को, उसकी जिंदगी के उस आस्पेक्ट को लेकर के दिखाया जाता है, तब वह क्या चीज होती है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी जो है सेंटर्स ऑन या केंद्रित होता है व्हाट बिकेम द क्रूशल एक्सपीरियंस, जो बहुत ज्यादा जो है एक, अगर एक कहा जाए कि बहुत कड़वा अनुभव जो जिंदगी का होता है, खास करके जो क्रिश्चियन ऑटोबायोग्राफी, जब आप एक जिंदगी के उन क्षेत्र में निकलते हैं जिसको कहा जाए कि अध्यात्मवाद, जब आप अध्यात्मवाद के रास्ते को पकड़ते हैं और उस अध्यात्मवाद के रास्ते को पकड़ने के बाद जब आप धर्म की सही जानकारी आपको होती है और लेकिन उसकी सही जानकारी की प्राप्ति से पहले जो आपको क्रूशल एक्सपीरियंसेस होता है, तो लाइफ के उस हिस्से को जब दिखाया जाता है तो आपका क्या है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी होती है, उन सारी चीजों को हम पाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ऑटोबायोग्राफीज में कुछ और भी नाम रहे हैं, एक तो रूसोस का कन्फेशन, मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिख दे रहा हूँ ऑटोबायोग्राफी के कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपसे और बातें करूंगा। ऑटो बायो ग्राफी, GRAPHY, ऑटोबायोग्राफी में बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, जिसमें मैंने दो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ था, वह दो एग्जाम्पल क्या था, एक तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाई महात्मा गांधी, दूसरा कमला दास का माई स्टोरी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रही है, खास करके इसकी जो शुरुआत होती है, जो मॉन्टेन जो एसेइस्ट थे उन्होंने जो एसेज लिखा था वह भी ऑटोबायोग्राफिकल रहा है, या तो हम वहीं से नाम लिखना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल ग्रेसिया में ही मैं इसको रख रहा हूँ, इसकी जो शुरुआत या जो चीजें देखी जाती है, माइकल डी मॉन्टेन, पहला MICHEL, CHEL, माइकल डी मॉन्टेन, डीई अलग रहेगा, उनके लिखने का तरीका था माइकल डी मॉन्टेन, MONTAITAIG TAIGNE, माइकल डी मॉन्टेन्स एसेज, माइकल डी मॉन्टेन्स एसेज। एक्चुअली समवन इज कॉलिंग मी, प्लीज गिव मी 1 मिनट, मैं आपको। हेलो, हेलो, जी, कैसे हैं सर? तो आई वॉज टेलिंग यू वट, आई वॉज टेलिंग यू ऑटोबायोग्राफी एंड दिस ऑटोबायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ, जिसमें एक है माइकल डी मॉन्टेन्स, और ये जो माइकल डी मॉन्टेन्स का रहा है, यू विल कम टू नो कि दिस इज एन एग्जाम्पल उनका जो एसेज उन्होंने लिखा, माइकल डी मॉन्टेन्स एसेज, एसेज ये उनका खुद का वर्क है, इसी टाइटल से आया ही था, तो आप इसको अंडरलाइन करिएगा,
माइकल डी मॉन्टेन्स एसेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूसो को, आप जानते हैं कि रूसो ने लिखा हुआ था कन्फेशन। नेक्स्ट जो दूसरा एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं हाईलाइट कर दूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक आदमी के जीवन का इतिहास जो खुद के द्वारा लिखा गया है, जिसकी शुरुआत कहाँ पे हो रही? माइकल डी मॉन्टेन्स का एसेज से। कुछ और एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें एक दूसरा एग्जाम्पल है रूसोस, RUSSEAU, रूसोस। ये जो रूसोस का था, इसका नाम है कन्फेशन, CONFESSIONS, कन्फेशन। ये उनका था, 1764 में उन्होंने लिखना शुरू किया, 1770 में आई है। डेट बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। गेटे की पोइट्री एंड ट्रूथ करके रही है तीसरा, गेटेज, GOTHE, गेटेज का पोइट्री एंड ट्रूथ। पोइट्री एंड ट्रूथ ये रहा है, गेटे का ये रहा है। और इसके अलावा जो है जॉन बनियान का ग्रेस एबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। जॉन बनियान, जॉन बनियान्स ग्रेस एबाउंडिंग, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। टू द चीफ, ग्रेस अबाउंड, जॉन बनियान का ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। इसमें भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड आपको पहले ही बताया जा चुका है, वर्ड्सवर्थ का द प्रील्यूड। और राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन, ये चीज यूजीसी नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा राल्फ, RALPH, राल्फ एलिसन, ELISON, ELISON, राल्फ एलिसन, इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन 1965 में, इनविजिबल मैन 1965 में। इसके अलावा जो है जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915 में, जेम्स जॉयस छठा, जेम्स जॉयस, JOYCE, जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1915। दीज थिंग्स वी फाइंड, सो यू विल कम टू नो व्हाट, यू विल कम टू नो, ये सारी चीजें रही हैं जिसमें रूसोस का कन्फेशंस अगर हम बात करते हैं एक एग्जांपल, गेटेस का पोइट्री एंड ट्रूथ दूसरा एग्जांपल, जॉन बनियांस का ग्रेस एबाउंडिंग तीसरा एग्जाम्पल, और ग्रेस एबाउंडिंग ऑफ द सिनर, एंड राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन, जेम्स जॉयसेस का पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये बायोग्राफी का चीजें थोड़ा सा छूटा हुआ था जिस पर हमने अभी आपसे बात किया कि हाँ ये चीजें रहा है। दूसरा चीज मैंने आपसे एक और चीज पूछा था, जो लोग हैं जैसे मैंने स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी की बात की, ऑटोबायोग्राफी की बात की, ऐसे ही आपको बायोग्राफी भी पता है कि हाँ बायोग्राफी भी रहा है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई अदर्स नॉट हिमसेल्फ, जिसमें मैंने आपको आइजाक वाल्टन का लाइव्स को लेकर के बात किया था, और सैमुअल जॉनसन का लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोयर्स को लेके मैंने बात किया था, बोसवेल का लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जेम्स बोसवेल ने लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन लिखा हुआ था अगर आपको याद होगा, ये सब मैंने बात किया था।
लेकिन एक शब्द और था, वो मैंने आपसे बात किया था कि हेजियोग्राफी क्या है, ये पूछा भी जा चुका है 2016 के पीजीटी वाले में, शायद आया हुआ है। या दैट्स गुड, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, यही सेम ऑप्शन भी रखा गया था, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स, द स्टाइलाइज्ड लाइव्स ऑफ क्रिश्चियन सेंट्स। एंड व्हाट इज डायरी, या डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स इन वंस लाइफ, एक आदमी के जीवन का जो प्रतिदिन का रिकॉर्ड होता है, जब वह उसको लिखता है तो वह चीज क्या कही जाती है, डायरी कही जाती है। डे टू डे रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ वंस लाइफ, या दैट्स गुड। डायरी के कोई दो ऑथर का नाम बताइए। या दैट्स गुड मैडम, सैमुअल पेपिस एंड जॉन इवलिन। सैमुअल पेपिस और जॉन एवलिन किस एज में आए हुए हैं? किस एज में दोनों लोग आए हुए हैं? मैडम 18th सेंचुरी, कहे आप चाह रही हैं कि हम जो है बेहोश हो जाएं, बिल्कुल ना पढ़ा पाए। हाँ रेस्टोरेशन, या एग्जैक्टली, ये रेस्टोरेशन एज है। सैमुअल पीप्स और ये दोनों लोग रेस्टोरेशन एज, और रेस्टोरेशन एज का मतलब 1660 से 1700, 17वीं शताब्दी के लास्ट दशक में, और इन लोगों ने लंदन फायर का जिक्र किया हुआ है, जो लंदन फायर घटित हुआ था, खास करके सैमुअल पेपिस ने अपनी डायरी में इसका जिक्र किया है, लंदन फायर का 1666 में जो घटना घटित हुई थी। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये दो डायरी तो है ही है, लेकिन ये दोनों किस एज में आए हुए हैं? रेस्टोरेशन एज में। देवर द कंटेम्प्रेरी ऑफ दैट मैन जॉन ड्राइडन के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। मीमायर क्या है? या मीमायर वह चीज होता है जिसको आप हिंदी में संस्मरण कहते हैं, यह उसके जीवन से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि वह जिन आदमियों से मिलता है, जहां जाता है, जो देखता है, उन यादों को जब वह लिखता है या उनके बारे में लिखता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मीमायर कहा जाता है। तो जो आपने डिफिनेशन बताया, दैट्स अ वेरी नाइस डिफिनेशन, कि द इम्फेसिस इज नॉट ऑन द आथर्स डेवलपिंग। मीमायर में ये नहीं दिखाया जाता कि आथर का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि यह दिखाया जाता है कि द पीपल एंड इवेंट्स, जो लोग उसकी जिंदगी में आए, जो घटना उसमें हुई है, जब वह उसके बारे में बात करता है, तो वह चीज क्या होता है? मीमायर होता है। मीमायर और ऑटोबायोग्राफी में यही फर्क होता है कि ऑटोबायोग्राफी में लेखक अपने जीवन को सेंटर में रखता है, लेकिन मीमायर में लेखक उन लोगों के जीवन को सेंटर में रखता है जिससे वह मिल चुका है। ये चीजें। सो जस्ट मैं यहीं पर जो है बंद कर रहा हूँ इस क्लास को, एंड रिमेम्बर दैट कि हम लोगों के साथ आज 25 पीपल जुड़े हुए हैं, कुछ और लोगों का भी रिक्वेस्ट आया हुआ था, बट लास्ट में उनका रिक्वेस्ट आया है। मैं समझता हूँ कि इस क्लास को सबको ज्वाइन करना चाहिए, 5:30 बजे की रखी गई है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है, और भी लोग थे जिनको ये दिक्कत हो रही थी, तो ऐसी कंडीशन में मैंने इसे रखा है, लेकिन कल आपकी कोई क्लास नहीं होगी। कारण है कि मैं कल जो है ये जर्नी पर रहूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था, तो कल आप लोग इस टाइम की क्लास का वेट ना करिएगा, यू डोंट हैव टू वेट। मॉर्निंग में होगी, मॉर्निंग की क्लास होगी, मॉर्निंग का पीजीटी वालों का क्लास होगा, लिटरेरी टर्म या इस तरह का क्लास जो शाम को 5:30 का, ये नहीं होगा। जो आपके और भी पहचान के लोग हैं, अगर आप उनको बता सकें कि हाँ 5:30 की क्लास चल रही है, चूंकि लिटरेरी टर्म के साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजों को एलाबोरेट किया जा रहा है, इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन, स्पेशली इट्स हाईली फ्रूटफुल फॉर किसके लिए, टीजीटी भी के लिए भी फ्रूटफुल है, और जूनियर एडिट के लिए। बाकी पीजीटी क्या, नेट वगैरह, ये तो सारे टर्म हर जगह पूछे जाते हैं, विद एग्जांपल जितना दिया जा रहा है, अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो लिटरेरी टर्म का कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बट यू कैन इन्फॉर्म अदर कि दे शुड ज्वाइन दिस क्लास, बिकॉज इट विल बी हाईली फ्रूटफुल फॉर देम। एक तरह से पूरा रिविजन, जैसे अगर अभी तक हम लोगों ने एक बार बैलट पढ़ लिया था, लेकिन बैलट हम लोगों ने दोबारा रिविजन किया, आज एपिक की बात आई है, एपिक हम लोगों ने पढ़ा था, फिर भी एपिक को रिविजन हो गया, मॉक एपिक का रिविजन हो गया,
तमाम चीजें। तो लिटरी टर्म एक ऐसी चीज है जो सारी चीजों का रिवीजन करा देती है। डायरी जैसे फॉर्म्स ऑफ प्रोज हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन उस फॉर्म्स ऑफ प्रोज में देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या रिवीजन किया, बायोग्राफी रिवीजन किया, ऑटोबायोग्राफी रिवीजन किया, मीमवायर रिवीजन किया है, डायरी हम लोगों ने रिवीजन किया। तो ये सब एक तरह से लिटरेरी टर्म चीजों को रिवाइज भी करा देता है, इसलिए द पीपल शुड ज्वाइन अस, उनको आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, वी विल मीट टुमारो। ओके ओके ओके।